जय श्री राम दोस्तों, आ गया हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ और आज शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ एक फनी स्टोरी। दोस्तों हम तीन दोस्त थे, मैं, सैम और जावेद। तो दोस्तों यह बात है 2011 की। मैं और सैम चला गया बेंगलुरु इंजीनियरिंग करने के लिए और जावेद बन गया सरकारी स्टूडेंट, चला गया धनबाद BIT सिंदरी। तो दोस्तों अब लौंडा निकला है घर के बाहर तो वो करेगा ऐस मौज मस्ती, घूमेगा फिरेगा, सब कुछ करेगा। तो दोस्तों अब रूम में एक दिन माल फूकते फूकते मुझे और सैम को पता चला कि बेंगलुरु में एक ओला नाम की कोई कंपनी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट राइड लाई है। तो दोस्तों अब समझिए कुछ ऐसा हाल था कि सैम को पता चला और वो जीमेल अकाउंट बनाकर रजिस्टर करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों हम लोग सालों भर खूब घूमे ओला में फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों हगना मुतना खाना पीना सब कुछ ओला में ही चल रहा था। दोस्तों एक दिन हद हो गया, सवेरे के 4 बजे सैम बाल झड़ रहा है और रेडी हो रहा है, डिओड्रेंट लगा रहा है, गंजी टी शर्ट पहन रहा है। मैं पूछा, सैम आखिर ऐसा क्यों सवेरे 4 बजे तुम रेडी हो रहे हो? तो बोलता है हगने जाना है। दोस्तों घर से 500 मीटर की दूरी पे थी सुलभ शौचालय, ओला बुक किए थे सैम साहब हगने जाने के लिए। तो कुछ ऐसा सिलसिला चल रहा था। और दोस्तों सरकारी स्टूडेंट जावेद का कुछ अलग ही सीन चल रहा था। उसे नसीब हो रहा था तो एकमात्र रिक्शा, उसे गर्लफ्रेंड घुमाना था तो रिक्शा पे, मूवी देखने जाना है रिक्शा पे, मतलब कहीं भी जाना है तो वो रिक्शा बुक कर रहा है, हम लोग कार पे घूम रहे हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसा सीन चल रहा था, वो फ्रस्ट्रेट हो चुका था। तो मैं और सैम उसको एक दिन फोन किए और बोले कि भाई तू दुर्गा पूजा में बेंगलुरु आ जा, क्योंकि तुम लोगों के लिए तो दुर्गा पूजा होता नहीं है और हमारे बेंगलुरु में दुर्गा पूजा होके भी है नहीं, तो तुम बेंगलुरु आ जा, हम लोग ओला पे घूमेंगे। दोस्तों 7 दिन की छुट्टी लेकर जावेद पहुंच गया बेंगलुरु। और दोस्तों जावेद के पहुंचते ही मैं और सैम उसे 2 काम दे दिए जो वो 7 दिन तक करते रहा। वो बेंगलुरु पहुंचा और जीमेल अकाउंट बनाना स्टार्ट किया और ओला राइड बुक करने लगा और हम लोग OTP शेयर करते थे जावेद के साथ। तो दोस्तों यह जो काम था यह लगातार 7 दिन जो है कंटिन्यू चलते रहा जावेद के साथ। वो जीमेल अकाउंट बनाते रहा, ओला राइड बुक करते रहा और हम और सैम मिलके OTP शेयर करते रहे। तो दोस्तों यह सिलसिला चलते रहा और एक दिन अचानक जावेद भी हद कर दिया, वो ओला बुक किया और माल स्कोर करके ले आया। हम, सैम और जावेद तीनों फूक कर सो गए। दोस्तों अगला दिन जावेद को जाना था वापस धनबाद। तो दोस्तों अब हम लोग अगला दिन सवेरे उठे, ओला बुक किए और निकल गए स्टेशन के लिए। दोस्तों स्टेशन पहुंचने के बाद हमने जावेद को कहा कि अगले दिन सवेरे तुम्हारी ट्रेन जो है 5 बजे धनबाद पहुंच जाएगी और हम लोग इधर माल फूक के सोए रहेंगे, तो ना मैं और ना सैम इस दोनों में से कोई तुम्हारी फिक्र नहीं करेगा, इसलिए तुम पहुंचने के बाद हमें एक कॉल कर देना। दोस्तों अगले दिन सवेरे 5 बजे सैम की नींद खुल गई, वो मुझे 5:30 बजे उठाया और बोला कि 5:30 बज गया, जावेद का अभी तक कोई कॉल नहीं आया है। मैं बोला तू जावेद के लिए इतना सवेरे उठ गया? तो बोलता है नहीं, मैं तो OTP देखने के लिए उठा। मैं बोला किस चीज का? तो बोलता है सुलभ शौचालय जाना है हगने। तो दोस्तों सैम बहुत चूतिया था। दोस्तों उसके बाद मैं जावेद को कॉल लगा रहा, जावेद कॉल उठा नहीं रहा। मैं फिर कॉल लगाया, जावेद कॉल उठा नहीं रहा। ऐसा 2 से 4 बार हुआ, इतने में ही मेरे मोबाइल पे एक OTP आया। मैं देखा ये तो ओला का OTP है। मैंने सैम से पूछा, अरे सैम ओला का OTP अभी मॉर्निंग में 5:30 बजे, ऐसा कैसे? तो बोलता है खोजने जाना है। मैं बोला किसे? तो बोलता है जावेद को। तो इतना हरामी था सैम। दोस्तों इतने में ही जावेद का कॉल मेरे मोबाइल पे आया, मैं कॉल उठाया, मैं बोला हेलो जावेद पहुंच गए? तो बोलता है नहीं। मैं बोला कहाँ हो? तो बोलता है रिक्शा पे। थैंक यू।